ये है 26 नवंबर 2014 और 5:09 पर इसको डाला गया शाम के। क्या कह रहे हैं इसमें, द एनपीआर इज अ रजिस्टर ऑफ ऑल द यूजुअल रेजिडेंट्स विच इंक्लूड्स सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन एज वेल। द एनपीआर इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ एनआरआईसी। ये क्या है भाई? फिर मीडिया अलग बात है कि मीडिया सवाल जब करता है तो अमित शाह से डर के नहीं पूछते होंगे, या हम खुला बता रहे हैं आपको, हकीकत बता रहा हूं, ये तीन चीजें आपके सामने रखा हूं। और वजीर दाखिला कहते हैं कि नहीं, अगर मशरक से सूरज निकलेगा तो वजीर बोलेगा मगरिब से। नहीं, ये सच्चाई ये है जो मरकजी हुकूमत छुपा रही है। और याद रखिए, आप एनपीआर का काम जब शुरू होगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का काम अप्रैल 2020 से शुरू होगा, गजट नोटिफिकेशन इश्यू हो चुका है, एक एक रियासत में कम से कम 70,000 गवर्नमेंट के मुलाजमीन ये काम करेंगे, वो आपके घर पर आएंगे, आपसे सवाल करेंगे, नाम क्या है, कितने बच्चे हैं, ये कहां पे पैदा हुए, आधार कार्ड है क्या, पासपोर्ट है क्या, अगर आपके मां बाप हिंदुस्तान में नहीं पैदा हुए, कोई फॉरेन कंट्री में पैदा हुए, वो कहां पैदा हुए सब बताइए। अब आप इनको देखिए, डॉक्यूमेंट ये फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद इनको क्या करते, एक लोअर लेवल का ऑफिशियल होगा, वो बोलेगा असदुद्दीन ओवैसी और किसी और गैर मुस्लिम का नाम होगा, वो बोलेगा नहीं जी, इस पर मेरे को डाउट है। ये मैं कह रहा हूं आपको, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कोई बल्दिया इलेक्शन में वोट लेने के नहीं कह रहा हूं, ये कुल जमाती जलसा, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आप डॉक्यूमेंट जब दे देंगे तो वो कहेगा कि नहीं, आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए, मैं इससे मुतमईन नहीं, मैं इससे मुतमईन नहीं हूं, तो आपको क्या लिखेगा, डाउटफुल, डाउटफुल सिटीजन लिखेगा। अब डाउटफुल लिखने के बाद आपसे वो अहदेदार कहेगा कि असद साहब जरा और डॉक्यूमेंट लाइए, मैं मुतमईन नहीं हूं, अब सिलसिला चला, तो लोटे को भी लाना पड़ेगा। नहीं वह क्या मालूम, उसका टेस्ट करा के देख लो भाई, ये लोटा लेकर गए थे, अगर देखना है तो बैतुल खला की कमोड भी देख लो। अरे डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर दिए, उसके बाद उन्हें मुतमईन हो गए, अच्छा है, नहीं हुए तो हम क्या करेंगे भाई, महबूब नगर का वो आपका हादी साहब, आपका कौन सा वार्ड है, मदीना मस्जिद के रजिस्टर निकालेंगे, यहां पर कितने लोगों के नाम आए, ये नाम है, अगर किसी को ऑब्जेक्शन करना है तो करो, किसी को ऑब्जेक्शन कर देखे, नाम तो आ गया, अगर डाउटफुल निकल भी गया, नहीं ठीक है मैं मुतमईन हो गया, हादी तेरा नाम आ गया, अब हादी का नाम और पूरे मदीना मस्जिद के लोगों का नाम लगा दिए। अब जो बीजेपी के लोग हैं जो हादी से दुश्मनी करते हैं, वो जाके बोले हादी हिंदुस्तानी कहां है, तो पाकिस्तानी है। नहीं अरे है भाई, रूल्स में है ये, ऑब्जेक्शन करेंगे, ऑब्जेक्शन कर दिए और हादी आउट। जब हादी आउट हो जाएंगे तो जो एनआरसी बनेगी उस फाइनलिस्ट में हादी साहब फॉरनर हो गए। एनपीआर का ताल्लुक एनआरसी से ऐसा है, ये नहीं बता रहे। और बार बार टीवी पर देखो आप, जो टीवी के एंकर है, जो बीजेपी अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बड़े चहीते हैं, ऐसा चाहते हैं कि शायद अपनी औलाद को भी नहीं चाहते उतना चाहते हैं लोगों को, चाहे वो मोहतरमा हो या वो जनाब हो। अगर आप उनके टीवी चैनल पर जाकर
وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو بولے تو ایسا لگتا کہ آپ ان کے ایسی موٹی گالی ان کو دیے, جبکہ گالی نہیں دے رہے آپ, ان کو کیوں بولتے آپ؟ میں کل ٹی وی پروگرام میں جاتا لوگ میرے سے پوچھ لیتے آج زیادہ ان کو نہیں بولنا, میں کس کو؟ اسی لیے بتا رہا ہوں کہ این پی آر کا تعلق این آر سی سے ہے, اسی لیے ہم این پی آر کے خلاف ہیں. اور آج مرکزی حکومت نے نیشنل پاپولیشن رجسٹر کے لیے 3,900 کروڑ روپئے مختصص کیے, ایلوکیٹ کیے. کیا آپ ہاں پر ہم اب لوگ بولتے نہیں تم ڈرا رہے, اچھا میں کیوں ڈروں, میرے میں کیوں تشویش پیدا ہوگی؟ ایک مسلمان بچی پانڈیچری پڈوچری کی آپ دیکھے ہوں گے اخبار میں, گولڈ میڈل ملا اس کو, کیا ملا؟ گولڈ میڈل. صدر جمہوریہ اس کو اوارڈ دینے والے تھے, گولڈ میڈل دینے والے تھے, تو وہاں کی پولیس اس کو روک دی یہ کہہ کر کے بیٹی تم حجاب پہنی بھی ہو اور ہم کو شک ہے کہ تم اندر جاؤ گی تو سی اے کے خلاف کچھ بول دو گی. جب ایک بچی گولڈ میڈل جیتی ہے, کامیاب ہوئی ہے, اس کو اندر جانے دے تو ہم آپ پہ امید کریں گے کہ این پی آر جب ہوگا تو ہمارا نام دو فوٹو نہیں ڈالا جائے گا؟ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ اس ملک کو آپ جنا کے راستے پر لے کے جانا چاہتے ہیں, دوبارہ پارٹیشن کے روح کو زندہ کر رہے ہیں بی جے پی, اسی لیے ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ رولز ہیں. بی جے پی کے لوگ آپ سے کل بولیں گے نہیں این پی آر جو سینسس کے مطابق ہوگا, نہیں جھوٹ بول رہے ہیں. سینسس 1948 ایکٹ کے تحت ہوتا, سٹیزن شپ 1954 ایکٹ کے تحت این پی آر این آر سی ہوگا. یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کان میں پھول ہے اور پی لال بس سے اترے